वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. दिस इज माय वीडियो फॉर क्लास 11 एंड माय टॉपिक इज व्हाट? लॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन. ओके स्टूडेंट, तो आज हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल रिएक्शन का लॉ. आप सोच रहे होंगे सेम टॉपिक क्लास 9th में था. जी बिल्कुल, क्लास 9th में भी फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन है और क्लास 11th में भी लॉज ऑफ मोशन पढ़ना पड़ता है फिजिक्स में. क्लास 9th में भी ग्रेविटेशन है पूरा का पूरा चैप्टर और क्लास 11th में भी फिजिक्स में ग्रेविटेशन है पूरा का पूरा चैप्टर. लेकिन दोनों में बहुत का डिफरेंसेस है, जमीन आसमान का डिफरेंसेस है. उसी तरह क्लास 9th में जो हम लोग लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं या जितने भी लॉज पढ़ते हैं, क्लास 11th में भी है, बट दोनों में बहुत का डिफरेंस है. क्लास 9th बेसिक है जबकि क्लास 11th उसका एक बढ़िया एप्लीकेशन है. तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं फॉर क्लास 11th एंड आवर टॉपिक इज लॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन. तो लॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन या लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, बहुत सारे बुक में लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन भी लिखा रहता है, दोनों एक ही चीज है. देखिए इतना तो है, दुनिया में हर एक चीज के पीछे एक लॉ है. अगर इस मार्कर को मैं छोड़ूं तो ये मार्कर नीचे आ जाएगा. क्यों? क्योंकि ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को ओबे करता है. अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज को रखूं और एक नेगेटिव चार्ज को रखूं आपस में, है ना, तो क्या होगा? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होगा. क्यों अट्रैक्शन होगा? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लॉ को ओबे करता है. तो दुनिया में जितनी भी चीजें हो रही हैं, सभी चीज किसी ना किसी लॉ को ओबे कर रही हैं. मैं अगर बोल रहा हूं तो इसके पीछे भी कोई एक फंडामेंटल लॉ है. फूड का डाइजेशन होना भी किसी ना किसी लॉ को ओबे करता है. उसी तरह अगर केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करूं तो केमिकल रिएक्शन ऐसा ही नहीं हो जाता है. जैसे अगर बात करें कि ए प्लस बी रिएक्ट करके ए बी बनाता है, तो ए बी तो बनाता है बट कैसे बनाया, क्यों बनाया, इसी के लिए हम लोग लॉज पढ़ते हैं. समझ में आया ना मेरी बात? तो देयर इज 5 लॉज आर प्रेजेंट इन लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. आपको 5 लॉ के बारे में बताया जाएगा. 5 लॉ प्रेजेंट है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में. मैं बारी बारी से सभी लॉ को यहां पर डिस्कस करूंगा. तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं. पहला लॉ क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. सेकेंड लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन. एंड द थर्ड वन इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जो की जॉन डाल्टन ने दिया था. फोर्थ लॉ ऑफ रिसिप्रोकल प्रोपोर्शन. एंड द फिफ्थ वन इज व्हाट? लॉ ऑफ डेफिनेट, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम. तो देयर इज अ 5 लॉ, 5 लॉ है लॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन में या लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में. अब आप बोलिएगा हम लोगों को तो केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ना है, लेकिन इस केमिकल रिएक्शन में 5 लॉज? बिल्कुल. जैसे अगर इसको मैं फिजिक्स के एग्जाम्पल से समझाता हूं, अगर मैं बात करता हूं मोशन का, तो मोशन को समझाने के लिए न्यूटन सर ने 3 लॉ दिया था. सर आइज़क न्यूटन ने 3 लॉ दिया था मोशन को समझाने के लिए. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो कि आप क्लास 9th में भी पढ़ते हो और क्लास 11th में भी पढ़ते हो. उसी तरह यहां पर केमिकल रिएक्शन को समझाने के लिए 5 लॉ है. हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे. मेरी बात को जरा समझिएगा, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा. आप इस वीडियो को पॉज करके इन सभी को नोट कीजिए. ओके स्टूडेंट, तो चलिए शुरू करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से. इट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. फर्स्ट लॉ है ये. ये लॉ दिया गया था 1774 में. किसके द्वारा? लेवोजियर द्वारा, इन 1774 बाय लेवोजियर. तो लेवोजियर सर ने ये लॉ दिया था 1774 में. अब मुझे देखना है कि ये लॉ क्या है. तो एक्चुअली इस लॉ के बारे में बोलेंगे. इट स्टेट दैट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, मतलब ये लॉ बोलता है केमिकल रिएक्शन के दौरान द मास ऑफ रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट का मास इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट, मतलब रिएक्टेंट का मास बराबर होगा प्रोडक्ट के मास के. कब? केमिकल रिएक्शन के दौरान. आप इस वीडियो को पॉज करके डेफिनेशन को नोट कीजिए. ओके, तो अब चलिए अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को डीपली समझते हैं. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन द मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट. जैसे मान के चलिए ए प्लस बी रिएक्ट कर रहा है और बनाता है ए बी. तो यहां पर ए और बी रिएक्टेंट है चूंकि ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है और ए बी प्रोडक्ट है चूंकि ये कुछ नया बन रहा है. तो मान लेते हैं अगर ए बी मैंने 50 ग्राम लिया और बी मैंने 40 ग्राम लिया, तो ए और बी दोनों मिलाकर के कितना हुआ? तो 50 प्लस 40 इट मीन 90.
तो दोनों मिला करके हो गया 90 ग्राम। तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी कितना बनेगा, 90 ग्राम ही बनेगा। दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसी को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं, क्योंकि यहां पर जितना रिएक्टेंट का मास है उतना ही प्रोडक्ट का मास है। क्लियर हो गया। यहां पर एक बात सोचने वाला है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में ऐसा क्या होता है कि मास कंजर्व रह जाता है। तो देखिए इस बात को समझिएगा, जितने भी रिएक्टेंट है वो कहीं ना कहीं तो मैटर है, तो वो एटम से बना होगा, तो एक्चुअली एटम कंजर्व रह जाते हैं जिसके वजह से मास कंजर्व है। मैं समझाता हूं। ऐसे मान के चलिए आप एक मार्केट गए, वहां से 5 kg पोटैटो खरीद के लाए, तो 5 kg पोटैटो में अगर मान के चलिए 20 पीस पोटैटो चढ़ा तराजू पे, जब आप घर पे आइएगा और वो 20 के बजाय अगर कोई उसमें से 2 पोटैटो निकाल लिया होगा तो अब 18 पोटैटो रह गया, तो अब वो 20 kg नहीं होगा, उसका मास कम हो जाएगा। या अगर घर आप आए और 20 के बदले 22 पोटैटो हो गया, किसी ने 2 एक्स्ट्रा पोटैटो रख दिया, तो अब पर भी उसका मास बढ़ जाएगा 20 से 21 या कुछ एक्स्ट्रा हो जाएगा। आपको 5 kg पोटैटो एग्जैक्टली कब रहेगा, जितना भी आपने खरीद के लाया था तभी रहेगा, जितना पोटैटो आप लेके आए थे उतना ही ना। जैसे अगर आप मार्केट से 20 पोटैटो खरीद के लाए, अगर वो 5 kg था तो वो घर आने पर भी 5 kg कब रहेगा, जब उस पैकेट में 20 ही पोटैटो हो। अगर कोई एक्स्ट्रा पोटैटो डाल देगा तो 5 kg से बढ़ जाएगा, अगर कोई पोटैटो निकाल लेगा तो 5 kg से घट जाएगा। तो अगर पोटैटो का अमाउंट 20 है उस पैकेट में तभी उसका मास 5 kg होगा। इसी तरह रिएक्शन में होता है, अगर रिएक्टेंट में जितना एटम है प्रोडक्ट में भी उतना ही एटम रह गया तभी मास कंजर्व होगा, वरना मास कंजर्व नहीं होगा। इट मींस एटम कंजर्व है। यही वजह था कि 1808 में जॉन डाल्टन ने कहा था, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एटम को ना ही बना सकते हैं ना ही बर्बाद कर सकते हैं। क्लियर हुआ। क्योंकि नंबर ऑफ एटम कंजर्व है, यही वजह है कि मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर होता है मास ऑफ प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट से पहले जितना एटम होता है रिएक्शन के बाद भी उतना ही एटम है, यही वजह है। अच्छा, एटम तो आगे पीछे नहीं हो रहा है, भले एक एटम दूसरे एटम में कन्वर्ट कर रहा है, बट जहां तक बात है नंबर्स का तो वो तो अभी भी उतना ही है, जिसके वजह से मास हमेशा कंजर्व रहेगा। तो मास कैन नॉट, तो हम ये बात बोल सकते हैं, मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। आप ना ही मास बना सकते हैं ना ही बर्बाद कर सकते हैं। हाँ, लेकिन एक जगह पे मास डिस्ट्रॉय हो सकता है। अल्बर्ट आइंस्टीन का एक इक्वेशन है E=mc². यहां पर एक्चुअली एनर्जी मास में कन्वर्ट करता है, या आप ऐसा कह सकते हैं कि मास एनर्जी में कन्वर्ट कर जाए। इस इक्वेशन से हम मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस जब होते हैं ना, तो उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहीं ना कहीं फेल कर जाता है। तो एक ही जगह पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फेल करेगा, वो है न्यूक्लियर रिएक्शन। अदरवाइज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हर एक रिएक्शन में ओबे होता है। आप इस वीडियो को पॉज करके सभी डेटा को नोट कीजिए।